जब भी हमारे घरों में बच्चों का जन्म होता है तो हम कितना प्रोटेक्टेड माहौल में उस बच्चे को रखते हैं, कितने एहतियात बरतते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ऐसी परिस्थितियों में छोड़ के जाया जा रहा है, जिसकी घटनाएं हम रोज आपके सामने लेकर आते हैं, और उन परिस्थितियों में हम और आप इतना बड़ा होने के बाद भी शायद रहने की कल्पना भी ना कर सके। ऐसी ही ये घटना पानीपत में घटी है। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य, नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूरी घटना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं पानीपत की सोशल एक्टिविस्ट सविता आर्य जी। सविता आर्य जी वो शख्सियत हैं जो पहले घटनाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। सविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पालोना के इस मंच पर। नमस्कार मैम जी। ये एक्चुअली जो घटना है पानीपत की, ये हमारे पालोना के जो हरियाणा ग्रुप है उसमें कल शेयर हुई थी, और तब से हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि बच्चे को जिस तरह से छोड़ा गया था उसमें उसकी सलामती की बड़ी चिंता हो रही थी। हम ये जानना चाहते थे कि बच्चा कैसा है, बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, ये भी हमारा एक कंसर्न था। उसको किसी भी तरह का कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहाँ उसको एग्जैक्टली छोड़ा गया है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपसे चाहते हैं यहाँ पर। कल सुबह 6 बजे की घटना है। सुबह 6 बजे की जो युवती है वो 20-22 साल की, जो कैमरे में जो दिखाई दिए सीसीटीवी कैमरे में, एक युवती है जो किसी महिला के साथ और एक पुरुष के साथ आती है वहाँ सिविल हॉस्पिटल में। सुबह 6:03 पे वो वहाँ पे हॉस्पिटल में अंदर एंट्री करी, उसके बाद वो अंदर गई है, फिर उसने बाथरूम ढूंढने की कोशिश की है, फिर वो वहाँ पे नहीं मिला, दरवाजे बंद थे, तो फिर ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाके उन्होंने 1-2 बाथरूम और देखे तो बंद थे सभी, एक ही खुला था, उसके अंदर जाके उसने उस बच्चे को जन्म दिया। और मतलब 6:30 के करीब वो वापिस वहां से चली गई। तो वो कैमरे में सभी घटनाएं करीब वही आधा घंटा बिल्कुल आधा घंटा ये सारा, मतलब 20-25 मिनट के अंदर ही वो आ भी ली और वापिस भी जा ली, क्योंकि वो सभी 30 कैमरे थे, 30 कैमरों में हमने हर कैमरे, मैंने पुलिस के साथ खुद मिलके चेक किए कैमरे, तो उनमें वो हर टाइम था कि आने का उसका, इस टाइम वो अंदर आई है ऑटो में, वो वहां से उतरी है, उसके बाद ऊपर गई है, उस बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो जाती हुई, मतलब आधे घंटे में सब पूरा मामला हो चुका था। लेकिन इससे इसकी मंशा ये लग रही थी कि क्योंकि अगर लड़की होती तो हम भी ये मान लेते कि भी कई बार क्या होता है, एक लड़की होती है, दो लड़की होती है, तो बच्चियों का लड़कियों के साथ तो वैसे भी आपको लगता कि भाई भेदभाव जैसे करते हैं अपने, हमारे हरियाणा में तो खासकर होता था जी। तो लेकिन ये लड़का है, तो इससे ये लगा कि ये कोई ऐसा प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, कोई अविवाहित लड़की हो सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने लोक लाज की वजह से या किसी को ये पता लगे बच्चे को जन्म दिया है, तो इसकी वजह से भी इन्होंने ये जो है किया होगा। क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोई भी महिला जो है वो ऐसे अपने बच्चे को नहीं त्याग सकती, अगर इतना बड़ा कदम उठाया तो कोई ना कोई उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मामले जो है हमारे पास आए हैं पानीपत में। जो बच्चा है क्या ये लड़का है? निश्चित तौर पर बिल्कुल 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 ये लड़का है। और वो तो तुरंत जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होते ही वो एकदम से निकल के बाहर चली गई। वो तो मतलब ये है कि भगवान का हम तो ये कहेंगे लाख लाख शुक्रिया है ईश्वर का कि एक महिला वॉशरूम की तरफ गई है और उसने उसके रोने की आवाज सुनी और उसने तुरंत से हॉस्पिटल में सबको बताया और बच्चे को उठा के जल्दी में वहां पे नर्सरी में जैसे लेके गए, डॉक्टरों ने उसकी देखभाल करी। अगर थोड़ा सा ही देरी हो जाती, यानी कि 15-20 मिनट हो जाती, तो हो सकता है बच्चा जीवित भी न मिलता। लेकिन ये बहुत ही जरूरत होती है। और अगर बिल्कुल जो टॉयलेट में भी छोड़ा गया है, तो टॉयलेट में कहाँ छोड़ा गया, क्या वो फर्श पे था या फिर कई बार जैसे फर्श पे था वो, तो मतलब वो पूरा जो डिलीवरी के साइन होते हैं, जो ब्लीडिंग वगैरह सब वहीं पर, हाँ बिल्कुल ब्लीडिंग भी थी उसकी, जो क्या बोलते हैं उसको, वो भी हाँ, तो वो सभी वो डॉक्टरों ने वहाँ पे वो कराया है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर देरी हो जाती तो बच्चा शायद नहीं बचता। और कहते हैं कि जान, किसी की जान को बचाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन गलती ये रही कि अगर मान लिया उनसे इतना बड़ा कोई पाप हो गया था,
अगर बच्चा वो एडमिट होते, उसको अच्छे तरीके से जन्म देते, भाई उसकी कोई मजबूरी थी, अविवाहित थी, कोई मजबूरी थी, तो सरकार को बच्चा दे सकते थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, इतना बड़ा काम बच्चे को मरने के लिए न छोड़ के, बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे को मरने के लिए न छोड़ के, पॉलिसी है वो तो इसी के लिए ही है, इन्हीं बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही था कि एक अविवाहित ऐसी ही माँ बनी थी कुछ दिन पहले, उसने भी अपने बच्चे को सरकार को दे दिया था और अच्छे से सरकार ने उसको लिया भी और फिर बाद में उसको जैसे बाल गृह में भेज दिया, तो बाद में उसकी अच्छी अडॉप्शन तो वो बाद में होता है, पहले तो बाल गृह में ही भेजते हैं उसको, फिर कुछ दिन के बाद बच्चे चले जाते, गोद ले लेते, कोई ना कोई अच्छा परिवार मिल जाता बच्चे को। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे ये गलती रही, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं ये बात सभी को कहना चाहती हूँ कि किसी बच्चे का, किसी की जिंदगी को लेना, किसी बच्चे को जन्म देकर उसको फेंक देते, कोई नालियों में फेंक देता, कोई झाड़ियों में फेंक देता है इसको ऐसे फेंकने की बजाय, अगर आप उस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते या इस तरीके से आपका कुछ होता है, तो आप सरकार में दीजिए बच्चे को, निश्चित सरकार में, मतलब हमने हम बार बार में जागरूक भी करते हैं कि बच्चे को मरने के लिए न फेंकिए, क्योंकि वो क्योंकि ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। पहले कहते थे गर्भ में बच्चों को मारते, वो भी जघन्य अपराध था, और ये पैदा करके फेंक देते हैं वो भी जघन्य अपराध है। किसी को जीवन दान देना और फिर जीवन दे के फिर उसको मरने के लिए छोड़ देना, ये इससे बड़ा पाप तो शायद नहीं हो सकता। जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे सेफ सरेंडर की पॉलिसी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई है ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं, उसके बाद भी जब बच्चे इस तरह इन हालात में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये कोई कमी है, लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं कर पाई है सरकार इसको लेकर, ऐसा कहीं लगता है क्या? बिल्कुल जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमने जिस टाइम पे एक बार कई केस इकट्ठे आ गए थे बच्चों के, उस टाइम पे से प्रशासन की तरफ से पालने लगाए गए थे, जैसे हमारे पानीपत में 7 जगह है, लेकिन हमने आज तक का रिकॉर्ड है पालने में एक भी बच्चा नहीं मिला। पालने जरूर लगाए प्रशासन ने, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, लोग डरते हैं कि कहीं हम पालने में बच्चे को रखेंगे तो कोई वहां पे कैमरा वगैरह ना लगा हुआ, लेकिन बाद बाद में जागरूक भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि भी कैमरे जहां पे पालना लगा हुआ वहां कैमरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डरते हैं कि भाई कहीं हम पालने में रखेंगे और कहीं हम किसी को दिखाई ना दे जाए, तो लोग अभी जागरूकता की कमी है, तभी तो बच्चों को कहीं नालियों में छोड़ते हैं, कहीं झाड़ियों में छोड़ते हैं, तो जागरूकता की कमी तो है। सविता जी, आप बता सकती हैं कि पानीपत में ये पालने कहाँ कहाँ लगे, ताकि अगर पानीपत से कोई इस वीडियो को अगर कभी देखे तो उनको ये मालूम हो और उनके सामने ऐसी या उनके सर्किल में किसी के पास ऐसी कोई स्थिति हो कि वो अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, तो वो ये कई ऐसी सार्वजनिक जगह है, जैसे यहाँ पे पानीपत में एक तो सिविल हॉस्पिटल में ही था, जिस हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया वहाँ गेट के पास बराबर साइड में ही एक पालना लगा हुआ था, और 11-12 सेक्टर में लगा हुआ है कि उसके एक सेंट मैरी वो है एक आश्रम उसके बाहर लगा हुआ है, एक दो मतलब 7 जगह रामलाल चौक पे 7 जगह ये कैमरे हैं जो अखबार के माध्यम से भी ये देखते रहे, और वो मैं देख के बता भी दूंगी कहाँ कहाँ, लेकिन पालनों में नहीं छोड़ते लोग, जागरूक नहीं है। या सिविल हॉस्पिटल में जब बच्चा जन्म दे के गए तो चलो उसके बाद वो बाहर पालने में रख जाते, तो भी इतना वो नहीं होता कि पालने में रखा मिलता, लेकिन वो वहां पे छोड़ के आना, ये सबसे बड़ी गलती है। और एक मैं ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ कि इंट्री करवाते अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बच्चे को जन्म वहां होता, डॉक्टरों की देखरेख में होता, उसके बाद वो बोल सकते थे वहां डॉक्टरों को जी हम ऐसे ऐसे भाई हमारी ये मजबूरी, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते, वो डॉक्टरों को बोल सकते थे, तो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि कोई दबाव है कि भाई बच्चे को कोई नहीं रखना चाहता तो नहीं रखो। लेकिन अगर कोई अविवाहित है उसके पास साथ ये प्रॉब्लम है तो वो तो गुप्त होती है वो चीजें, किसी को बताते भी नहीं। अगर अगर लड़की कोई अविवाहित है उसके साथ किसी ने धोखा किया या उसके प्यार में आके उसने उसके साथ संबंध बनाया या उसके साथ जबरदस्ती हुई है या उसका किसी ने रेप किया है या जो भी उसकी समस्या, वो सामने रखे। अगर किसी ने जबरदस्ती करी रेप कराया तो उसको भी सलाखों के पीछे भिजवाएंगे, क्योंकि दोषी अकेली मां नहीं है, दोषी तो वो भी अदरिंदा जिसने इतना बड़ा पाप किया है। और अगर मान लिया उसने उसको पता था, अगर उनके दोनों की रजामंदी से प्यार ने एक चीज जो हुई तो शादी कर लो दोनों। लोगों को ये समझना होगा कि बच्चे को जब इस तरह से छोड़ के जाते हैं तो ये अपराध हो जाता है कानून के दृष्टि में भी, लेकिन वही अगर CWC को सेफ सरेंडर के तहत बच्चे को सौंप दे या जैसे आपने बताया कि वो पालने में अगर बच्चे को रख दे तो वो कभी भी उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है जब तक ये नहीं। लेकिन लोगों को देखो, उनको पता था कि हॉस्पिटल में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी वो इतनी बड़ी गलती करके गए, लेकिन इन्होंने गलती तो की, लेकिन उसकी सजा के लिए माँ को भी क्यों,
पिता को भी तुम भागीदार बिता दी तुम्हारे। जी मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, एक और केस हुआ था पानीपत में ही, जहाँ ऊपर मुझे लगता है सेकंड या थर्ड फ्लोर से बच्चे को नीचे डाल दिया गया था, और उसमें आपने बड़ी महती भूमिका निभाई थी उस बच्ची की माँ तक पहुँचने में और उसको अरेस्ट वगैरह करवाने में। क्या उस मामले में जो उस नवजात बच्ची का पिता था, क्या उसके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन लिया गया था? उसमें ये था मैम, ये 17 जनवरी 2022 की घटना है। 17 जनवरी 2022 को एक वीआईवी वाइट लड़की थी 19 साल की, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और जन्म देने के 2 घंटे के बाद अपनी छत से नीचे कूड़े के ढेर में उस बच्चे को फेंक दिया था। और 3 दिन के बाद 20 तारीख को मैंने उस बच्चे की माँ को ढूंढा था, ढूंढ के पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, लड़के के ऊपर भी और लड़की के ऊपर भी, दोनों के ऊपर ही, क्योंकि उस लड़के ने ही कहा था कि फेंक दो। तो उसके बाद फिर हाँ, वो बच्चा फिर उन्होंने दोनों, वो एक दूसरे धर्म से थे, दोनों ही एक दूसरे धर्म के थे, फिर उन्होंने दोनों का निकाह हुआ। उसके बाद उस बच्चे को भी CWC ने, जब उसके परिवार ने, उन्होंने आके कब जिम्मेवारी ली कि हम बच्चे का अच्छे तरीके से, लड़की थी वो, अच्छे तरीके से पालन पोषण करेंगे, और वो बच्ची उसको दे दी थी, उनको, उस परिवार को। लेकिन मुकदमा तो आज भी उनके ऊपर है, उनके खिलाफ है। ये तो जो मेरे पास, क्योंकि वो रिपोर्ट उस समय में आई थी और मैंने देखा था कि बच्चे की स्थिति बड़ी क्रिटिकल थी, जो बच्चे को ऊपर से डाला गया बिल्कुल था। तो ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनता है इसमें, बिल्कुल था मैम। वो उसमें पुलिस ने थोड़ी सी गलती क्या की, क्योंकि वो ऊपर से फेंका था और उसको कुत्ते नोच रहे थे, कुत्तों ने उसके दांत मार रखे थे, थोड़ा सा भी देर हो जाती तो शायद वो बच्ची नहीं बचनी थी, नहीं बच। लेकिन उसमें पुलिस ने एक जैसे धारा नहीं जोड़ी, उसने खाली, आपको बताइए कि इसमें मैं क्या बोलूं, मैंने बहुत कोशिश की। आइडिया है कि उसमें पुलिस ने सेक्शंस कौन कौन से लगाए थे? उसमें खाली जेजे एक्ट में और 317 शायद जो थी उसकी उसी में थी, 317 और जेजे एक्ट का सेक्शन 75 जी, बिल्कुल ये लगाए। तो उनको इस मामले में 307 भी लगाना चाहिए, तो बिल्कुल वो नहीं लगाई थी वो, मैंने उसमें DGP तक भी लेटर लिखे थे, लेकिन उसमें 307 नहीं लगी थी। तो अभी वो लोग जमानत पर बाहर हैं दोनों? हाँ, वो जमानत के हैं, उनका केस चला हुआ है, और बच्ची वो यूपी के रहने वाले थे और वो बच्ची उनके पास। CWC से भी बड़ी गलती हुई है, CWC को तो वो बच्ची वापस उनको सौंपनी ही नहीं चाहिए थी, जिसने अपने बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया है, व्हाटएवर द रीजन। देखिए, बच्चे की हत्या करना या उसका उसकी कोशिश करना, ये जस्टिफाई नहीं किया। बिल्कुल कोशिश की गई थी, बिल्कुल कोशिश की गई थी, ऊपर से फेंका गया था, बच्ची को मरने के लिए ही फेंका गया था। और इसमें कहीं ना कहीं यही वाला मामला हुआ है पानीपत में, इन्होंने कम से कम बच्ची को मारने का तो प्रयास नहीं किया, वहां पर बच्चे को फर्श पे ही मिला, उसको ऐसा नहीं है कि कमोड में डाल दिया या उसका जो ऊपर वाटर टैंक नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। तो 307 का मामला तो यहाँ पे नहीं बनेगा, पर उस वाले मामले में तो वो सीधे सीधे 307 का मामला बनता है। उसमें बिल्कुल था, मैंने लेटर लिखे, मैं खुद मिली अधिकारियों से, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था, कोई दबाव तो होगा, कुछ न कुछ तो बात थी जो उनके ऊपर, इतना होने के बावजूद भी वो धारा नहीं जुड़ी, वो लोग खुले घूम रहे हैं और फिर CWC ने उनको सौंप भी दिए, तो बहुत ही आश्चर्य। तो उन्होंने कैसे सौंपा ये, तो अब उस पे हम क्या सवाल उठाएं। जी, वो तो उनका अपना, वो तो कोर्ट में अगर संज्ञान लेगा कोर्ट तो इसमें ले भी सकता है, लेकिन वो तो देखो ना, उन्होंने अपने चलान में क्या दिया पुलिस ने, ये बहुत जरूरी है। अगर पुलिस ने चलान में क्या दिया है उसने ये, क्योंकि वो उस टाइम पे मीडिया में भी आया था, अखबारों में भी छपा था कि कुत्ते नोच रहे थे, मरने के लिए फेंक दिया। तो अगर कोर्ट में चलान में अगर वो चीजें दी होंगी तो फिर तो धारा अपने आप जुड़ेगी, लेकिन अगर चलान में उन्होंने वो चीज नहीं दी होगी कि उसको कुत्ते नोच रहे थे या इसको मरने के, दी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, दी नहीं होगी, क्योंकि चलान तो पुलिस ने बनाना है, उसने उसमें चलान में क्या दिया है वो तो पुलिस, क्योंकि मैंने उसकी RTI के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल से ये मांगा था कि उसका इलाज चला जो उसमें क्या था, तो सिविल हॉस्पिटल ने RTI नहीं दी थी उसकी कि भई हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, जबकि मैंने इसका इलाज कैसे, इलाज चला था। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट देने में तो किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्योंकि फिर उन्होंने इसीलिए नहीं दी ना कि उनका उसमें पता लग जाता जी, हाँ, कुछ ना कुछ तो दाल में तो कुछ काला था, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी। फिर मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया कि जानना, मेरे लिए बड़ा बच्ची है और बड़ा
परेशानी वाला भी है कि इतना गंभीर अपराध करके भी लोग कैसे बच जाते हैं और फिर वो बच्चा वापस तभी तो उन्हीं हौसले के। बुलंद है मैडम, तभी तो हौसले बुलंद है। सैकड़ों, मैं पानीपत की आपको घटना बताऊंगी, सैकड़ों बच्चे हैं जो जी भ्रूण और नवजात बच्चे मृत और जीवित पानीपत में मिल चुके हैं सैकड़ों, जब से मैं समाज सेवा में आई 2015 से। आज तक का कोई एक केस नहीं है जो पुलिस ने ट्रेस किया हो, आज तक सबका सिंगल भी केस नहीं है सैकड़ों बच्चों का जो पुलिस ने ट्रेस किया हो। ये मैं आपके माध्यम से, जनता जो आपको देखती होगी, जो बाद में आपको देखेगी या लाइव में आपको देखेगी, तो आज तक का एक भी केस पुलिस ने ट्रेस पानीपत में नहीं किया। की सबसे बड़ी कमी सप्ता मानती जी, हूँ कि मेरा जब आपसे अपने ये बच्चे के आग्रह अंदर, रहेगा कि जब भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है जिसमें कि नवजात शिशु को या तो कहीं जीवित अवस्था में या फिर मृत अवस्था में कहीं पर भी अगर छोड़ दिया जाता है, तो प्लीज आप पालोना से जरूर इस घटना को शेयर करें, क्योंकि पालोना कोशिश कर रहा है कि देश भर में जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है वो एक डेटा कम से कम संकलित करे, ये इन बच्चों को दर्ज करे जो कि कहीं किसी रजिस्टर में अक्सर नजर नहीं आते हैं। तो तो मैडम मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी, मेरे पास पूरा डेटा पानीपत का तो मैं आपको दे ही दूंगी। और जी, ये हम तो शुक्रिया ये चाहते हैं कि ये शुक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जहां से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, वहां आपके अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका, आपने इतनी सारी जानकारी हमसे शेयर जी की है और मुझे नमस्ते। आपके डेटे का इंतजार रहेगा। निश्चित तौर पर आप जी दें जी तो फिर जरूर हम जी उसके हिसाब से भी फिर आपसे आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जैसे ही इसके माता पिता मिलेंगे आपको जरूर बताएंगे मैम। थैंक यू।